Assalamualaikum, Assalamualaikum पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुशामदीद और बहुत सारी दुआएं ऑलवेज जब भी मैं आपके साथ गुड मॉर्निंग विद सभी में वेलकम करती हूँ सलाम पेश करती हूँ तो बहुत सारी दुआएं देती हूँ. खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है. इस दुआ के साथ मैं अपने गुड मॉर्निंग विद सभी मॉर्निंग शो का आगाज़ करती हूँ. और वीनस HD जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, सरहद के उस पार और लाहौर, इस्लामाबाद और पूरे कराची, पूरे सिंध, हैदराबाद, सब जगहों में जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, वेनस TV देखा जा रहा है, उन सब को ढेरों दुआएं. अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हर आफत से, नगानी आफत से बचाए और हमेशा एक दूसरे को अल्लाह पाक, हम कहते हैं ना अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, तो एक दूसरे को दुआ देते रहना चाहिए. और जब भी हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, हर तरह से लोग अपने रब को याद करते हैं. समटाइम मैं आपको एक मैसेज दे रही हूँ, कुछ लोग यूँ याद करते हैं, कुछ लोग यूँ याद करते हैं, कुछ लोग यूँ याद करते हैं और कुछ लोग सजदा करके और कुछ लोग अपने ध्यान में जाके, कुछ लोग तस्बीह पढ़ के, कुछ लोग जो हैं दुनिया से कट के बहुत सारे एक अल्लाह से इंट्रैक्शन के ज़राए हैं. सबको अल्लाह पर यकीन है कि देने वाली ज़ात वो है, उससे आगे कोई भी ज़ात नहीं है. तो सब जो है किसी को, मैं छोटा सा मैसेज यही देना चाह रही हूँ कि किसी की मज़हब को ज़ातियात में उसको इंट्रप्शन ना करें. मैं सच कह रही हूँ क्योंकि इससे क्या होता है जब हम किसी के मज़हब में, देखिए मैं कहती हूँ आपका मज़हब इतना खूबसूरत हो कि लोग आपके मज़हब को खुद एक्सेप्ट करें, ना सिर्फ ये कि मैं ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे. देखें आप हमारे पड़ोस में हैं, आप, मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों पर कोई पॉइंटेड नहीं कर रही, लेकिन दुख होता है. देखें आप पाकिस्तान में भी बहुत लोग हिंदू कम्युनिटी रहती है, हम उनको हमेशा उनके जो मज़ाहिब हैं, जो उनके अकीदे हैं, हम उनको इंटरप्शन नहीं करते और हमारे साथ वो बहुत खुश हैं. रियली आप कोई भी एक बंदा उठा के कह दे कि भाई मुझे यहाँ पर इबादत करने में प्रॉब्लम दे रहे हैं या मुझे यहाँ पर मेरे जो जो मेरे त्यौहार आते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में या उसको मनाने में, जो मैं खुशियाँ अपने फैमिली के साथ मनाता हूँ, मुझे प्रॉब्लम्स हैं, तो बा खुदा मैं सच कह रही हूँ तो फिर हम मुसलमान नहीं. मैं अपने अकीदे की फिर ये बात करती हूँ. मैं इसकी तौहीन नहीं करना चाहती और मैं आप लोगों को भी नहीं कहती, लेकिन मुझे दुख होता है. आप हमारे पड़ोस में, उस दिन भी मैंने कहा था कि हमारा ईमान है कि हम कहते हैं अल्लाह पाक जब हम दुनिया से चले जाएं तो मरने के बाद भी मेरे कब्र का पड़ोसी है ना, वो मुझे बहुत अच्छा मिले. तो यानी कि मरने के बाद की ये जस्तजू देखें, ज़रा ईमान देखें. आप मुझे बताएं, मैं बड़ी दुख, और देखिए इंसान वहाँ पर भी, इंसान यहाँ पर भी, तो आप मुझे बताएं कि आप सिंपल इज दैट, आप किसी को कहें, उसको थप्पड़ मार के कहें, आप ये बोलें जी श्री राम बोलें या जो भी राम बोलें, ये इस तरह आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं? और कितनी ज़िंदगी है आपकी, 70-80 साल, उसमें आप क्या करके जा रहे हैं? आप अपना ट्रैक सीधा रखें, आपका अगर मज़हब अच्छा होगा लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आप इस तरह किसी बुजुर्ग के मुंह पे थप्पड़ मारें, किसी लड़की के साथ बेहूदा हरकत करें, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी के बुरके से, किसी आपके लॉज बने हुए, कानून बने हुए, आप उनको कंप्लेन करें, लेकिन आप एक गलत अंदाज में प्रेजेंट करेंगे ना, तो आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं, ना आपके मज़हब को कोई आपको अच्छा समझेगा ना आपको. तो अब अक्सर मैंने देखे कैनेडा में है, UK में है, अमेरिका में है, लोग वहाँ पर अपने अपने मज़ाहिब को रिस्पेक्टफुली मनाते हैं, सबको वहाँ पे वेलकम. तो आप लोगों में, आप लोगों के बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोगों के वहाँ पर रिलीजन्स हैं, सिख भी बरादरी है और क्रिश्चियन है, आप लोगों के मुल्क में तो ज़्यादा लोग हैं, तो आप लोग तो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें कि लोग आप लोगों को एक्सेप्ट करें कि ये कितने अच्छे लोग हैं, ना सिर्फ आप इतनी बदतमीज़ी करें. तो लेट्स सी, मैं आपको कोई ये नहीं कह रही कि मैं इस सीट पर बैठी हूँ एज अ होस्ट, मैं कौन होती हूँ आपको समझाने वाली. तो मुझे बड़ा दुख होता है, मैं सिर्फ एक इंसानियत का मैसेज दे रही हूँ आपको कि देखें अगर आपका अकीदा, आपका मज़हब इतना प्यारा है तो आप उसको प्रेजेंट अच्छा करें,
लेकिन इसका मतलब है कि आपके मजहब में किसी को मार मार के आपके एक्सेप्ट करवाया जाता है, ऐसा है आपका मजहब। मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जब जंग होती थी ना, जो कैदी होते थे तो उनको कहते थे इनको छोड़ दिया जाए। रियली आप उनको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती थी, बच्चों पे जुल्म नहीं किया जाता था, औरतों के साथ बदतमीजी नहीं, उनको तो बिल्कुल मना के बुजुर्ग बच्चे औरतें ये खास तौर पे इनको मतलब पे उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि आप इनको टच भी ना करें। आपके मतलब जो आपके जो बहादुरी का जो सामने तलवारबाजी करें आप उसके साथ लड़ें। तो जब वो कैदी होती थी ना तो उनको छोड़ दिया जाता था। तो ये हमारा मजहब सिखाता है, तो फिर वो उसको मोहब्बत में एक्सेप्ट करते थे, कितनी अच्छी बात है। तो आप अच्छी बात करने के बजाय आप बदतमीजी करें, आप बल्कि अपने मुल्क की बदनामी करवा रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ, पूरी दुनिया यूएन नहीं कौन कौन देख रहा है, तो क्या देख रहा है कि आप लोग क्या प्रेजेंट करो। आप अपने मुल्क का नाम बदनाम करो, आप अपने मजहब का नाम बदनाम करो। लेट्स सी, ये आपका अपना पर्सनल मामला है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं एज ए इंसानियत के नाते मैं आपसे मैसेज शेयर करी थी, और बस यही आज का मैसेज है। तो लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी। आज बहुत कुछ है, आज बहुत कुछ है हमारे साथ। ब्यूटी सेगमेंट भी है, स्किल सेगमेंट भी है, यूथ भी है, और मजे की शायरी भी है। लेट्स सी, यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुशामदीद। और बात करेंगे हम उस यूथ की, जी किस यूथ की बात करें, यस हमारी जनरेशन जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी शिकार है। और मैं कभी कभी कहती हूँ यार, ये बच्चे स्टडी करने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं, अब उनका क्या पॉजिटिव मतलब थीम है या कोई उनका आगे फोकस है। आप स्टडी करने जाते हैं तो वहाँ पर कोई या तो प्रॉब्लम्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है कि उसकी सॉल्यूशन की ज़रूरत है। तो गैदरिंग में समटाइम ये होता है कि किसी चीज़ की इशू की बात की जाती है तो कहते हैं जी प्रिंसिपल के पास ये कंप्लेन जाएगी तो सब साइन करें तो पता चलेगा ये इशू है। तो ऑफकोर्स फिर एक जब 10 लोग जमा होते हैं तो फिर सोचते हैं यार फिर क्यों ना हम एक ऑर्गेनाइजेशन यूथ बनाएं जिससे जब भी कोई प्रॉब्लम हो हम खुद उससे कुछ सॉल्व कर सकें। तो ये भी ज़रूरी है, जिस तरह पूरे मुल्क में बहुत सारी पार्टीज काम करेंगे, लाइक पीपल्स पार्टी है, फंक्शनल लीग है, PML है, जिस तरह मुस्लिम लीग है, और बहुत सारी MQM है, फिर डिफरेंट और पार्टीज भी हैं, ठीक है, PTI है। तो ऑफकोर्स ज़रूरत पड़ती है, अब देखते कौन बेस्ट काम करता है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें पता चलता है यार तो दी बेस्ट वर्क वेयर, तो हम ढूंढते हैं यार ये गुड है, इसने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा है कि नहीं। और जिसने कुछ अच्छा काम किया है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। लेट्स सी, आज हमारे दरमियान एक ऐसे यूथ रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, वो एक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, ऑफकोर्स PML से हैं और मुस्लिम लीग हम कहते हैं नून से। और आज हम देखेंगे कि ऑफकोर्स उनको काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि नून लीग की हुकूमत थी जो अभी चली गई है और अब है PTI की हुकूमत, लेकिन किसी ने कुछ दी बेस्ट किया है तो हम उसे कैसे भूल जाएं। तो आज वो बताएंगे हमें, क्योंकि वो यूथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी पार्टी को भी। तो मैं वेलकम करती हूँ आज मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में कौन तशरीफ लाए हैं, जी अशर अल्बर्ट फ्रॉम पार्टी जो है उनकी PML। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अशर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं अशर, जो मैंने अभी बात की वो तो आप तक पहुँच गई, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, किसी भी मुल्क में जो है वो यूथ एक रीढ़ की हड्डी का बुनियाद रखती है, किरदार रखती है, और कोई भी जो मुल्क है वो यूथ के बगैर अधूरा है। पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो तादाद है कुल तादाद में से 50-60% जो है वो यूथ है, और ये इस मुल्क की खुशकिस्मती है। मगर अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से अक्सर हमें जो है वो इसमें एक तनजली देखने को मिलती है। अगर हम चाहते हैं कि ये बेहतर हो, मुल्क जो है वो बढ़े, तरक्की करे, तो हमें फिर अपनी यूथ पर काम करना होगा, यूथ के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर काम करना होगा। गुड है। अच्छा, आप लोगों ने कौन से ऐसे काम किए जो बहुत पॉजिटिव थे और वो अब नहीं हो रहे, या हो रहे हैं तो वो कैसे हो रहे हैं?
देखें, मैं कराची वाला और मैं कराची की बात ज़्यादा करता हूँ। जी, जब 2013 से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से पहले कराची में जो है वो रोज़ 10-10, 20-20 और दर्जनों के हिसाब से लाशें मिलती थी, कभी किसी कोने से मिलती थी, कभी किसी कोने से मिलती थी, और इस शहर ने ये वो दौर देखा है कि हिस्सों में मिलती थी, टुकड़ों में लाशें मिलती थी। कारोबारी हजरात कारोबार नहीं कर सकते थे, स्कूल की रोज छुट्टियां होती थी, जिससे एजुकेशन का एक बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो रहा था, बत्ता खोरी थी, बोरी बंद लाशें थी, और क्या क्या नाम आप लेंगे। हाँ, ये तो एक सिलसिला चलता ये जाएगा तो था, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर उसके बाद जब उस पे आवाज पे पूरा कराची भी बंद, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ कि एक शहर यरगमाल रहा, अपनी आंखों से दिखे, कोई लफाजियत नहीं कर रही, ये मतलब हुआ था ऐसे, बिल्कुल ऐसी है। तो फिर जब 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क की भागदौड़ संभाली, तो उन्होंने कराची में बैठकर तमाम जमातों को एक गवर्नर हाउस में वो मीटिंग की, तमाम जमातों को बुलाया और सबके मुशावरत से ये ऑपरेशन किया। ओके। जिसमें कराची का अमन बहाल हुआ। आज देखें कि आप आज़ादी से, वरना कराची के लोग जो हैं वो सिंपल अगर एक बात की जाए तो सादा अल्फाजों में समझाने के लिए तो दो फोन रखते थे, बड़ा फोन जो एंड्रॉइड फोन या दूसरा फोन जो भी होता अच्छा। था वो घर पे रखते थे और छोटा फोन जेब में रखते मैं थे, समझ गई, वो काम ताकि के लिए वो अगर छिन भी जाए तो बुरा ना लगे और इतना ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, ठीक तो है। फिर इस कराची को अमन दिया। कराची का अमन की ये सूरत हाल थी कि PSL के तमाम मैचेस, जो आज से 2 साल पहले जो PSL हुआ था, PSL 5, उसके तमाम मैचेस जो है वो कराची में हुए, लाहौर के सारे मैचेस कैंसिल हो गए और सब कराची में, सिर्फ इस अमन की वजह से। और अगर ये अमन नहीं होता तो ये बहुत बड़ा बिजनेस भी है, सरमायाकारी है PSL जो है। ओके। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस हमें मिला, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हमारा एक अमन का पैगाम गया कि पता चला कि कराची जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर सिटी है, क्योंकि मेट्रोपोलिटन सिटी है, बिजनेस हब है, तो ये सिक्योर होगा तो मुल्क जो है वो अच्छा चल सकता है। ओके। उसके बाद फिर ग्रीन लाइन का मंसूबा है। हाँ, ग्रीन लाइन आज आप देख लें कि ग्रीन लाइन की वजह से वरना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कराची में तकरीबन, मेरा ये ख्याल है कि मिनी बस पे अगर आप जाएं तो आपके 50-60 या उससे भी ज़्यादा, और फिर सफ़र भी इतना बुरा होता है आप उसको बयान भी नहीं कर सकते कि एक शख्स पे दूसरा शख्स जो है वो चिपका हुआ। तो ग्रीन लाइन से कुछ आधा बसेज हैं, बड़ी बसेज हैं, एयर कंडीशनड है, आप एहतराम से, इज्जत से अपना सफ़र करते हैं, और किसी भी मुल्क में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छी होगी तो वहाँ पे कारोबार भी अच्छा होता है। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, जिस तरह अभी मैं अशर से बात कर रही हूँ, बहुत ही एक सवाल ऐसा है और बहुत तकलीफ देह है, हम कराची में बहुत टाइम से रह रहे हैं और अभी भी कराची, बस सोचती थी कि ये दुबई जैसा हो, मैं सुनती थी इनकी स्पीचेज में बिफोर वोट, जब वोट लेने आते तो दुबई बना देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक इतनी सारी उम्मीदें, इतनी सारी होप्स हमारे दिल के अंदर उजागर होती हैं। अच्छा, एज़ कम्पेयर टू लाहौर जो है वो बहुत ही खूबसूरत, मैं जाके विज़िट कर चुकी हूँ, तो लाइक मुझे बहुत, एज़ कम्पेयर टू कराची से करूँ तो मैं तो कहती हूँ कराची को इतना खूबसूरत ना, यहाँ पर कोई ऐसी जैसे मैं डिफरेंट जगहों पर जाती हूँ तो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग टूरिज़म पर गए, तो कराची में कब टूरिज़म ऑन होगी, मतलब सिंध को देखो, वो तो मुंजो दाड़ो या हम उन चीज़ों को क्या दिखाएं, कुछ क्रिएटिव के लोग स्पेशली या विजिटर्स आए, और कराची को मैं अभी भी सारे शहरों से ना बहुत ही गंदा देख रही हूँ, ऐसे ही है, बहुत दुख होता है। आप अच्छा। देखें उस तरफ चले जाएं KP के में, वो खूबसूरत जगह है, अल्लाह पाक ने, चलो उसमें गॉड गिफ्टेड चीज है, फिर भी उन्होंने मैनेज किया, देखिए गंदा तो वो भी कर सकते हैं, फिर लाहौर को देखें एज कम्पेयर टू कराची, मतलब उन दोनों से नीचे आ रहा है, ये नीचे है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब होता क्या है कि NFC अवार्ड जब 18वीं तरमीम हुई, NFC अवार्ड बन गए, तो उसके बाद सूबों का जो सूबाई हुकूमत है उसके पास ये सारे इख्तियारात हैं कि वो अपने सूबे में काम कर सकें, ठीक है, और सूबे में जितने शहर हैं, और फिर कराची जो है वो सिंध का कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पे असेंबली भी है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है, सारी चीज़ें यहीं पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो पिछले 13.5-14 साल से जो सूबाई हुकूमत कायम है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो शहर को बेहतर बनाए। अब अगर हम पंजाब की बात करते हैं, स्पेशली लाहौर की बात करते हैं, तो वहाँ पर सारी चीज़ें इसलिए अच्छी या मैनेज इसलिए हुई कि वहाँ पे PMLN की सूबाई हुकूमत भी थी, ठीक है, तो उन्होंने फंड्स जो हैं वो लगाए। आप रिंग रोड देख लें, आप मेट्रोज देख लें, और अब कराची में तो एक ग्रीन लाइन है वो भी PMLN की है, ये भी उन्होंने अपना वफाकी जो इख्तियार है वो इस्तेमाल करके यहाँ पे एक मनसूबा दिया।
वरना अगर आप सूबाई हुकूमत पे रहते तो ये कभी भी ये ग्रीन लाइन तो यहाँ पे आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आज तक कोई ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम ही नहीं है। ठीक है, तो PMLN ने पंजाब में लाहौर में 3 जो है वो मेट्रोज बनाई, उसके अलावा साफ पानी के प्रोजेक्ट हैं, दानिश स्कूल है, और आप देख लें कि नीट एंड क्लीन कितना है लाहौर एज कम्पेयर टू कराची। किसी भी आप किसी भी मुल्क में अगर आप किसी दूसरे शहर में या मुल्क में सफर करते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ की सफाई देखते हैं, उतरते ही आपको वहाँ पे जो माहौल दिखता है वो आप उसकी सफाई से अंदाजा लगाते हैं कि ये शहर के लोग कितने नफीस हैं। और हमें भी पता चल जाता है जब हम कराची में विजिट करते हैं, हमें यकीन हो जाता है कि हम कराची में घूम रहे हैं, सिंध में घूम रहे हैं। बिल्कुल, आप गली से निकलते हैं, हमें अंदाज़ हम जैसे घर से निकलते हैं ना, जिस तरह बेहंगम ट्रैफिक, डुंग डुंग, फिर आगे चलते हैं एक अजीब सा घड़े, पूरा यकीन, यानी कि अगर आपको फिर यकीन ना है ना, वो जो धमाकेदार किस्म के घड़े यूं यूं ऑटो में और यूं यूं आप गाड़ी में करें, आपके आए दिन 1 वीक 15 दिन में आप गाड़ी जाके ना, जब मैं जाके मैकेनिक के पास खड़ी करती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह सलामत रखे कि रोड ना बनाए, मैं क्या दुआएं देती हूँ, फिक्र ना करें। तो ये जब रोड बेहंगम होते हैं, हम किसी ऐसे सिटी में चले जाएँ, और इसका मैं गारंटी से, अगर मेरी इस बात को कोई भी डिनाई कर दे तो मेरे साथ साइड एरिया चला जाए बाखुदा, वो कहेगा इतने बड़े बड़े ट्रेले, इतनी बिग इंडस्ट्रीज वहाँ पर मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े ट्रेले मैंने देखे जिसमें सामान लोड हो रहा है, लेकिन उन इंडस्ट्रीज से ही पेमेंट लेके आप रोड बना दें, इतनी गंदा रोड है साइड एरिए का, मैं कुछ बता नहीं सकती। आप चले जाएं लालू खेत के बाद जो पीछे नहीं UBL बैंक भी है बड़ा मशहूर वो वाला, उस साइड पर माजर कैम्प, सईदाबाद, अल्लाह अकबर, तो आप सोच नहीं सकते, यानी कि आपके जो है ना, और उधर इत्तेफाक की बात है, वो मेरे जाना हुआ, जब पता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की डेथ हो जाए, जाना पड़ जाता है, आप यकीन करें वहाँ पे पानी का गटर खुला था रोड पे, और मैं कौन सी कसम उठाऊँ, मैं उसका ऑटो है ना बेचारे का धस गया पानी में बेचारा, और उसमें से 2 लेडीज निकली, गोद में 2 साल का बेबी उस बच्चे ने, और मैं तौबा ही तौबा कर रही थी, यकीन करो वो बेचारी औरतें फुटपाथ पे चली गई, और वो बंदा रिक्शा धक्के मार रहा था, कोई रोक नहीं, क्योंकि इतने इतने पानी, अभी बारिश नहीं हुई है, ये अभी 3-4 दिन की बात है, बारिश नहीं हुई है, तो ये हाल देख लें आप, कोई पूछने वाला नहीं है, क्या हाल करेंगे कराची का। और एक दूसरे पर बात डालने से बेहतर है कभी कभी घर तो आखिर अपना है, और घर की खातिर सोग दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, समझ लेंगे घर हमारा अपना है, और इस घर की अगर हिफाजत नहीं करेंगे ना तो तिनका तिनका हम लोग हो जाएंगे, इसको फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सॉरी अल्बर्ट, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ कि आपने बात की कि इंडस्ट्रियलिस्ट से ही पैसा लेके लगा दी जाए, तो देखें पैसा दे कौन रहा है, पैसा दे तो कराची ही रहे ना, बिल्कुल इंडस्ट्रियलिस्ट ही रहे, ये तो पहले ही 70-80% जो पाकिस्तान की टोटल बजट का हो जाए, मैं उसका टैक्स जो रेवेन्यू है जनरेट होता है वो कराची से होता है, ठीक है, तो इतना पैसा दे ऑलरेडी कराची दे रहा है, उसके बाद भी अगर इसके चंद करोड़ में अगर रोड नहीं बनते तो फिर क्या करेगा। मतलब दुख क्या होता है मुझे, वहां पर कांस्टेबल खड़े होते हैं, मेरा दिल उनके लिए ना दुखी हो गया था, मैंने कहा यार बेचारे इधर से कर रहे हैं, उधर चुरंगी से यूं करे, वो उनका कंसर्न नहीं बनता ना, रोड तो कोई और बनाएगा, वो बेचारे काले हो गए, मिट्टी पता, किसी को अस्थमा ना हो जाए, अगर देखें उनको अगर उस वक्त कोई बीमारी नहीं है तो लग तो सकती है ना, बिल्कुल, जब मैं वहां से गुजर रही हूँ तो मैं अपनी गाड़ी के शीशे वो कर रही हूँ कि मिट्टी अंदर ना आ जाए, तो उनका मैं सोच के मैं इतनी परेशान हो रही, यार दूसरों के लिए कुछ थोड़ा सा सोचे। हमारे दरमियान एक कॉलर है, हेलो सलाम अलैकुम, या हमारे दरमियान, अरे मेरे प्यारे भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अशर भाई को बहुत सलाम हो। देखिए डिफरेंस जो है ना, अब ये आपने तो इतना नक्शा जो खींचा है वो मतलब वो तो बड़ा दर्दनाक नक्शा है, और हकीकत में हम रोज उससे भुगतते हैं, लेकिन पिछले दिनों मुझे जाने का, नवंबर में मेरा लाहौर और पंजाब जाने का मेरा बड़े अरसे बाद मेरा हुआ मौका, तो बिटलीव मी मुझे वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ की रोड, वहाँ के सिस्टम देख के वाकई लगा के, और जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन है यकीनन PMLN ने वहाँ काम किया और वो नजर आता है, यानी हाईवेज का अगर आप देखें तो एक जगह आपके सियासी इख्तलाफ जितने भी हो, मैं सबसे ये कहता हूँ कि एक चीज है ना, अगर मेरा और आपका नजरिए में फर्क हो, लेकिन हिस्ट्री को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, जो चीज बन गई, जिसने कोई चीज याद कर दी, चाहे वो किसी ने भी की, आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। हम लोग जो गलती करते हैं ना, हम यही करते हैं कि हम एक दूसरे की बुराई के अंदर सिर्फ उनकी नेगेटिविटी भी चले जाते हैं, लेकिन पंजाब देख के मुझे एहसास होता है
कि वहां जितना काम हुआ है और लिटरली रोड नेटवर्क अमेजिंग अमेजिंग इतना जबरदस्त है, और हमें फिर वो कंपैरिजन में हमें अफसोस अपने इलाकों को अपने सिंध को, आपने तो इस इलाकों की बात की साइड की, नॉर्थ नॉर्मल कितना पॉश है वहां की, अब सड़कें वहां की गलियां वहां के देख के जो हमने बचपन गुजारा है देख के अफसोस ही होता है। मेरा सवाल अशर भाई से है, अशर भाई आप यकीनन आपने पंजाब के, लेकिन आप हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि हमारे कराची के साथ तो जिनको भी आपके किसी और को वोट दिए उन्होंने भी कोई खास काम नहीं किया, लेकिन आप एक स्पेस बनती है ना जब कोई दूसरा नाकाम होता है, तो आप लोग इस स्पेस को पूर्ण करने के लिए क्या कर रहे हैं कराची के, आप नौजवानों को इन्वॉल्व करके आप आके कोई ऐसा काम करके कम्युनिटी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में जाके कुछ उनके फैसिलिटेट करें, उनके लिए कुछ उनको कम्युनिकेट करें, तो यकीन ना आपके लोग वोटर्स बढ़ेंगे, इस सिलसिले में आपका कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया याया, काफी डिटेल में इन्होंने बात, काफी अच्छा सवाल था और डिटेल सवाल था। असल में देखें कराची में बिल्कुल काम हो रहा है, कराची में आप अगर पिछले साल अप्रैल 30 अप्रैल को इलेक्शन हुआ बल्दिया में NA 249 में, जहाँ से मफ्ता इस्माइल फैसल वावड़ा की जब उन्होंने जगह वो छोड़ी इस्तीफ़ा दिया अपनी सीट से तो वो उस सीट खाली, उसके बाद नून लीग ने वहाँ से अपना कैंडिडेट जो डॉक्टर मफ्ता इस्माइल हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं वो वहाँ से खड़े हुए। ठीक है, अच्छा वहाँ पर हमारा जो शुरू का जो रिजल्ट था वो 50% जब हुआ तो हम लोग 10-15-20 हज़ार से लीड कर रहे थे, फिर अचानक रिजल्ट रुकना शुरू हुए और फिर हम वहाँ से सीट हार गए। खैर ये इसमें बहस में नहीं पड़ते, सबको पता है कि ये प्री प्लान्ड और रिगिंग थी और उसमें हमें हराया गया। कराची की आवाम PMLN को पसंद करती है, और आपने बात की कि दूसरी जमातों को वोट दिया और उनको उन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया, तो मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जिसको वोट भी नहीं यहाँ से मिले थे 2013 में, इतनी ज़्यादा हमारी एक ही सीट थी, उसके बाद वो सीट भी खैर वो जो कैंडिडेट थे वो दूसरी पार्टी में चले गए, मगर उसके बाद भी मुस्लिम लीग नून ने इस शहर को ग्रीन लाइन दी, इस शहर को अमन दिया, इस शहर को K4 जो है ये एक सूबाई प्रोजेक्ट है। ठीक है, और उसमें मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आप सूबे से ये मुतालबा किया कि आप इसके पानी के दरीना मसले को हल करें, तो वो मसला हल नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत बजट रिक्वायर्ड है वो हमारे पास, हम उसको इतना फुलफिल नहीं कर सकते, हम इसको अपकमिंग या नेक्स्ट बजट में देखेंगे, तो इसको डिले ना हो ये प्रोजेक्ट, तो इसके लिए मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ ने सूबे से कहा कि ठीक है 50% वफाक आपको देता है, 50% आप इसमें डालें और इस मसले को लोगों को पानी की जो बुनियादी मसला उसको हल करें, तो उसके लिए पैसे दिए। तो इस तरह के बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े दीगर हैं, और फिर लियारी एक्सप्रेस वे जो है वो मुशरफ दौर में बनना शुरू हुआ मगर कभी कंप्लीट नहीं हो सका, तो उसको भी आकर कंप्लीट किया। चले जी, और ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके अलावा ये है कि मेगा प्रोजेक्ट्स बनाएं, और बाकी तो सुबह इख्तियार है उसमें, इसमें कोई शक नहीं, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात, आपका आने का बहुत शुक्रिया, बस थोड़ा वक्त कीमती है हमारा भी और आपका भी, तो लेट्स सी हम लोग यहाँ पर ऑफकोर्स आप इस बात को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू रखेंगे, आपके आने का बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन मुख्तसर ये कि अपने मुल्क के लोग हैं तो अपने मुल्क के दरमियान रहें ताकि हम एक दूसरे की बात समझ सकें, एक दूसरे की बात अंडरस्टैंड कर सकें और सोल्यूशन उसका निकाल सकें, लेकिन इसके लिए यूनिटी बहुत ज़रूरी है और हमें इत्तफाक से रहना पड़ेगा ताकि हम एक दूसरे के मसले हल करें। लेते हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है खुश आमदीद। तो हर तरह के गुड मॉर्निंग विद सभी में सेगमेंट्स होते हैं और आपने इस सेगमेंट को एंजॉय भी करते हैं, तो मैं कहूँगी शायर तो नहीं मगर हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। इधर आ जाए यार, मैं आ गई हूँ इस स्क्रीन पर और ये है विनस HD, पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, और इस वक्त आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अगर आप बहुत प्यारी शायरी करती हैं ना या अपने दिल की बात हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो ज्वाइन करें गुड मॉर्निंग विद सभी में, और लाइव कॉल्स का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। तो आज है सेगमेंट जबरदस्त, यहाँ पर
अपने दिल की बात करने का, और दिल की बात में हमने रखा है शायरी, और ये सेगमेंट सबको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मौजूद है जबरदस्त शायरा, और प्लस पॉइंट ये कि वो ब्यूटिशियन भी है, यानी कि मेकओवर भी करती हैं और दिल की बात भी करती हैं। यहाँ पर किश्व रूज मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अच्छा मैं देख रही हूँ मेकअप तो बड़ा धमाकेदार, मैं ये सोची थी मेकअप करके आई हैं तो इसका मतलब है, फिर मैंने पूछना पड़ गया मुझे, तो उन्होंने कहा मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, 20 साल से ब्यूटिशियन जी, और 20 साल से 20 ईयर से अपना सैलून रन कर रही हूं। जबरदस्त, और फिर 2 साल से शायरी में भी छलांग लगाई। शायरी का शौक तो खैर बहुत पुराना था, लेकिन ये कि जाहिर है टाइम का इशू और फिर मसरूफियत, तो फिर वो अभी जब ये कोरोना का इशू हुआ तो ज़्यादा जौक जो है वो टाइम मिलने की सबब ज़्यादा सामने आ गया, वो छुपा हुआ था और आ गया बाहर, ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपके दिल की आवाज़ होती है शायरी, आप कुछ बातें नहीं कर सकते, आप शायरी के जरिए करते हैं। ना कर लड़की मैं रो पड़ूंगी वाकई में शायरी में ये होता है कि बंदा अपने दिल के तराड़ बाहर निकाल रहा होता है, वो बाहर निकाल रहा होता है, और आप लोग भी हमें लाइव कॉल एक अच्छा सा हो जाए, जबरदस्त हो जाए, स्टार्ट करते हैं गजल सुनाओ। अरे सुनाए, स्टार्ट करें किश्व जी। बड़ी मशहूर गजल है मेरी के दगाबाज पे इसकी लतीफ है कि दिल टूट गया जब से हुआ दोस्त दगाबाज, दिल टूट गया जब से हुआ दोस्त दगाबाज, सोचा ही ना था होगा मेरा दोस्त दगाबाज, पूछा कि बड़ा सबसे बड़ा कौन सा दुख है, पूछा कि बड़ा सबसे बड़ा कौन सा दुख है, एक शख्स ने हसरत से कहा दोस्त दगाबाज। अरे वाह भाई वाह, शुक्रिया, वाह भाई वाह, और नहीं है और सुनाए ना, और इसको कंटिन्यू कीजिए। एक शख्स ने हसरत से कहा दोस्त दगाबाज, इखलास के पैकर को अगर ढूंढने निकलो, इखलास के पैकर को अगर ढूंढने निकलो, हर मोड़ पे मिलता है नया दोस्त दगाबाज। मेरे करीब होती मैं भी क्लैप मारती ठक से। हर मोड़ पे मिलता है नया दोस्त दगाबाज। और एक सवाल है आपसे, तो खैर नहीं आप तो न्यू जनरेशन के थे हैं, जरा अगर जरा मैच्योर लोग होते तो उनसे पूछती हूं। मुझे न्यू जनरेशन का है, आज मुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा चलिए, क्या गुजरे जमानों में सभी दोस्त थे मुखलिस, ओके, या पहले जमानों में भी था दोस्त दगाबाज, चेहरे पे तेरे भी हंसी आती नहीं किश्वर, चेहरे पे तेरे भी हंसी आती नहीं किश्वर, लगता है कि तेरा भी हुआ दोस्त दगाबाज। अरे वाह भाई वाह किश्वर जी, तुसी आ गए हो, तुसी छा गए हो, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। हमारे दरमियान किश्व रूज मौजूद हैं, बेहतरीन शायरी करती हैं, और इनके जो जिस तरह मैंने अभी शायरी सुनी, और आप भी अपने कोई ना कोई शेर हमसे शेयर कर सकते हैं, ऑफकोर्स कॉल कर सकते हैं। म्यूजिक शहजाद भाई बंद पड़ा हुआ है तो मज़ा नहीं आ रहा, जरा सा वो भी लगाएं। क्या है अर्श से सात रंग आ गए, फिर यहाँ ये चुप हो जाता तो मज़ा नहीं आता। कंटिन्यू करिए, एक और कौन सा जबरदस्त, एक और मैं आप फरमाइश, एक और किश्वर मैदान जी स्टार्ट कीजिए। रविश चल पड़ी है यहाँ कुछ वहाँ कुछ, यहाँ कुछ बड़ी हकीकत पर मबनी है ये कि रविश चल पड़ी है यहाँ कुछ वहाँ कुछ, हर एक आदमी है यहाँ कुछ वहाँ कुछ। ये आपकी मैं एक शायरी में देख रही हूँ, बाखुदा मैं इतनी वो नहीं हूँ लेकिन जज कर रही हूँ, इधर से मार के उधर जो मारती है ना ये ये बड़ा जबरदस्त करती है। यस, रविश चल पड़ी है यहाँ कुछ वहाँ कुछ, हर एक आदमी है यहाँ कुछ वहाँ कुछ, और आपके लिए है कि ताज्जुब भरी आजकल की मोहब्बत, हाय हाय हाय, ताज्जुब भरी आजकल की मोहब्बत, अजब दिलबरी है यहाँ कुछ वहाँ कुछ, और किसी से करें क्या गिला अब तो सबकी, किसी से करें क्या गिला अब तो सबकी, ये आदत बनी है यहाँ कुछ वहाँ कुछ, आए, हाए, हाए। किसी से करें क्या गिला अब तो सबकी,
ये आदत बनी है यहाँ कुछ और वहाँ कुछ, और बताओ जरा दिल पे तुम हाथ रख कर, आए हाय हाय, बताओ जरा दिल पे तुम हाथ रख कर, वो क्या आदमी है यहाँ, मार दिया किशोर जी, वो क्या आदमी है यहाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ कुछ वहाँ कुछ। और गजल अपनी किश्वर जरा फिर सुनाना, गजल अपनी किश्वर जरा फिर सुनाना, अभी जो पड़ी है यहाँ कुछ वहाँ कुछ, रविश चल पड़ी है यहाँ कुछ वहाँ कुछ। एक और रेडी रख लूँ जब तक मैं अपने नाज़रीन से बात करती हूँ। नाज़रीन नंबर मिले हमें, आप लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, और साथ साथ में सरप्राइज आप लोगों को दे दूँ। अच्छा मैं मैन कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा जबरदस्त, मतलब मुझे आज बड़ा तेज लग रहा है, शायरी सुनने को मिल रही है आज सुबह सुबह, बड़ी अच्छी सी थी। तो जो दोस्त के ऊपर इन्होंने आज शायरी की है, मैं भी एक शेर कहना चाहूंगी। आवाज थोड़ी सी इनकी ऊंची कीजिएगा शहजाद भाई। यस, मैं भी आपको एक शेर जो है, आपका नाम क्या है पहले ये बताएं। मैं सुमेरा बात कर रही हूँ कराची से। कराची में कौन सी जगह, बहुत बड़ा है कराची, जल्दी बताएं। गुलिस्तान जौहर। तेरी खैर हो, चलें जी सुनाए सुमेरा जी। शायरा सुमेरा जी मौजूद है हमारे दरमियान लाइव कॉलर। मैं भी दोस्त पे शेर कहूंगी आज। श्योर सुनाए। हमारे दिल में जो रहते थे आयनों की तरह, हाय हाय हाय, गिरे नजर से तो बिखरे हैं किश्तियों की तरह, हाय हाय हाय, जो लग चुकी है गिरा दिल में खुल नहीं सकती, वो लाश मिलता रहे हमसे दोस्तों की तरह। क्या कहने, क्या कहने है जी, क्या कहने किशोर जी, अप्रिशिएट करी सुमेरा, बहुत लव यू मेरी जान, बहुत प्यारा शेर सुनाया आपने, थैंक यू सो मच जी। जी एक और गजल आपकी खिदमत में पेश करूंगी कि फर्ज कर सोच कि ऐसा भी तो हो सकता है, हाय हाय जबरदस्त, फर्ज कर सोच कि ऐसा भी तो हो सकता है, आज कचरा है जो दरिया भी तो हो सकता है, फर्ज कर सोच कि ऐसा भी तो हो सकता है, आज कचरा है जो दरिया भी तो हो सकता है, और हम तो हर वक्त खुला रखते हैं दरवाजे को, हम तो हर वक्त खुला रखते हैं दरवाजे को, उस गली में तेरा आना भी तो हो सकता है, वाह, तो हर वक्त खुला रखते हैं दरवाजे को, उस गली में तेरा आना भी तो हो सकता है, और तूने जिस जख्म को समझा है बहुत मामूली, तूने जिस जख्म को समझा है बहुत मामूली, हिजर का जख्म ये गहरा भी तो हो सकता है, हिजर का जख्म ये गहरा भी तो हो सकता है, आज आंखों में मेरी अश्क नजर आते हैं, आज आंखों में मेरी अश्क नजर आते हैं, और कल नम तेरा दीदा भी तो हो सकता है, आज आंखों में मेरी अश्क नजर आते हैं, और कल नम तेरा दीदा भी तो हो सकता है, फर्ज कर सोच के ऐसा भी तो हो सकता है, आज कचरा है जो दरिया भी तो हो सकता है। क्या बात है किशोर जी, फिर मैं कहूंगी तुसी आ गए हो तो तुसी छा गए हो, क्या जबरदस्त किशोर जी के साथ मेरा बहुत जबरदस्त सेगमेंट चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है मुझे, और टाइम शॉर्ट होता है लेकिन मजा बहुत आ रहा है। आप भी हमें कॉल करके अपनी शायरी, जिस तरह सुमेरा ने गुलिस्ताने जौहर से कॉल की कराची से, और उन्होंने इतना जबरदस्त शेर सुनाया सुमेरा, बहुत प्यारा शेर था, इस तरह आप भी हमें लाइव कॉल करके अपनी जो है शेर, अपना शेर हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट हो गया, मुझे सर टाइम बताइएगा क्या टाइम हो गया है जी। जैसा नहीं मैम स्टार्ट कीजिए किशोर जी। यस यस बिल्कुल। भटके जो मुसाफिर उन्हें साए की तलब थी। ओके गुड। भटके जो मुसाफिर उन्हें साए की तलब थी, हम उनकी जरूरत थे मोहब्बत उन्हें कब थी, हाय हाय। भटके जो मुसाफिर उन्हें साए की तलब थी, हम उनकी जरूरत थे मोहब्बत उन्हें कब थी, हम बोलना भूले नहीं तुम ये ना भुलाना, हम बोलना भूले नहीं तुम ये ना भुलाना, खामोश किया जिसने हमें हद अदब थी, हम बोलना भूले नहीं तुम ये ना भुलाना, खामोश किया जिसने हमें हद अदब थी, मौका तो नहीं था
वहाँ इश्क बहाते, मौका तो नहीं था वहाँ इश्क बहाते, हम फिर भी वही रोए जहाँ बस में तरफ थी। हाय हाय क्या बात है, क्या मौका तो नहीं था वहाँ इश्क बहाते, हम फिर भी वही रोए जहाँ बज में तरफ थी। एक ख्वाब था हम रह में तुम्हें रोक के पूछे, एक ख्वाब था कि रह में तुम्हें रोक के पूछे, क्या बात थी जो अपने बिछड़ने का सबब थी, क्या बात थी जो अपने बिछड़ने का सबब थी, भटके जो मुसाफिर उन्हें साए की तलब थी। क्या बात है, क्या हम उनकी जरूरत थे मोहब्बत उन्हें कब थी। हाय हाय क्या बात है। अच्छा मैं इन सभी गुफ्तगू भी करूंगी और मैं जो म्यूजिक मेरा नहीं समझ में आ नहीं आवाज़ नहीं आ रही, शहजाद भाई जरा आवाज़ करें या नहीं आ रहा, हल्का हल्का मुझे फील नहीं हो रहा। अच्छा लेट्स सी, ये बताएं कि शायरी के लिए टाइम निकाल लेती हैं इतना? शायरी के लिए अब संजीना होना पड़ गया, आप ये समझें कि पहले तो एक ज़ौक था और शौक़ था, दिल की आवाज़ थी, जो बातें कह नहीं सकते वो शायरी में ढाल लेते, लेकिन जब सीरियसली इस सर्कल में आना हुआ तो इसको संजीदगी से लिया है। Good. और बहुत जल्द मेरी किताब आएगी अभी, ये मैं पूछने वाली थी कि ऑफ कोर्स इतनी प्यारी आप शायरी करती हैं तो ऑफ कोर्स कुछ लोग होंगे बहुत बाज़ौक लोग होते हैं जो शायरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और फिर उसके लिए टाइम भी निकालते हैं और कुछ लोग बस में जाते भी हैं जब आप लोगों के एक इवेंट का इनका किया जाता है। इस बज़ में मुहिबाने अदब के नाम से एक तंजीम है और मैं उसके तहत माशाल्लाह से काफ़ी मुशायरे करा चुकी हूँ। रिसेंटली अभी मैं लाहौर में भी अपनी तंजीम की तरफ से मुशायरा करा के आई हूँ। अच्छा मुल्तान में करा के आई हूँ। किश्वर जी ऐसे हो सकता है आप कोर्स एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तंजीम है जो भी है किस नाम से बता दें? बज़ में मुहिबाने। अच्छा बज़ में मुहिबाने प्रोनाउंस का भी। तो हम यहाँ पर एक सोच रहे हैं कि आपके मतलब सरपरस्ती में जी मुझे भी बड़ा देखे, मैं उर्दू के अल्फाज देखो कहाँ कहाँ से निकाल रही हूँ आपकी सरपरस्ती में, तो हम यहाँ पर एक काफी आपके जो रेलेवेंट हैं जो लोग हैं उनको जो है शायरों को बुलवाएं, ठीक है, और एक एक जगह पर उनकी शम्मा जैसे शम्मा अब उनके हवाले किया जाए, अब हमारे शम्मा को रोशन करेंगे, एक हम इसके प्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आपको जब भी प्रोग्राम करना मुझे बताएं, लेकिन हमें निश्चित नीचे लगानी पड़ेगी क्योंकि फिर मजा नहीं है ना उसकी, तो फिर शायरी का एक माहौल बनाना पड़ता है तो फिर वो जो सब लोग बात करते हैं वो एक बात ही कुछ और होती है, वो लाइनअप हो जाता है प्रोग्राम, क्योंकि मैं खुद ऑर्गेनाइजर हूँ और मैं फर्द वाहिद पर हूँ, मेरे साथ कोई टीम नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अलोन ही अपनी तंजीम रन करती हूँ, ऑल ओवर सारा इसका जो काम है वो मैं खुद करती हूँ। तो किश्वर जी के लिए कह दूँ मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया, तो ये बात है कि नहीं है जी। चले जी आप एक और जबरदस्त कोई नज्म रेडी रखें या जो भी आपको गजल अच्छी लगती है, तो अच्छा आप गुनगुना के नहीं सुनाती हैं कुछ तरन्नुम में लाइक होता है ना कुछ? असल में एक्चुअली वो एनवायरनमेंट ऐसा है ना थोड़ा सा गला डिस्टर्ब। ओके ओके मैं समझ गई, शुरू में कुछ आगे तानबान हुई है थोड़ा सा डिस्टर्ब। दरमियान किश्वर उरूज मौजूद हैं और आप भी अगर आप शायरी करते हैं या आपको दिल करता है कि मैं शायरी सुनाऊं अपने नाज़रीन को यहाँ पर सुनने वालों को, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव नंबर स्क्रीन पर मौजूद है और अपनी आवाज़ यहाँ शेयर कर सकते हैं। जी किश्वर उरूज हमारे दरमियान मौजूद है। एक गज़ल तुम्हें ना हाल बताते तो और क्या करते, ओके तुम्हें ना हाल बताते तो और क्या करते, तुम ही से दर्द छुपाते तो और क्या करते, और क्या करते कहा था तुमने कि रहने का एक ठिकाना हो, हाय हाय कहा था तुमने, कहा था तुमने कि रहने का एक ठिकाना हो, तुम्हें ना दिल में बिठाते तो और क्या करते, कहा था तुमने कि रहने का एक ठिकाना हो, तुम्हें ना दिल में बिठाती तो और क्या करती, हमारी आंख जो गीली हुई दमे रुखसत, हमारी आंख जो गीली हुई दमे रुखसत, न कोई बात बनाती तो और क्या करते, हमारी आंख जो गीली हुई दमे रुखसत, न कोई बात बनाती तो और क्या करते, कहा था तुमने मेरी जीस्त से चले जाओ, हाय 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 कहा था तुमने मेरी जीत से चले जाओ, हम अपनी जान से ना जाते तो और क्या, क्या करते, कहा था तुमने मेरी जीत से चले जाओ, हम अपनी जान से ना जाते तो और क्या करते, तुम्हारी यादें जो हर वक्त डसती रहती थी,
जी जी। तुम्हारी यादें जो हर वक्त डरती रहती थी, ना उनको शेर बनाती तो और क्या करती, उरूज अपनी तमन्नाओं के बसाने को, उरूज अपनी तमन्नाओं के बसाने को, नया जहां न बसाते तो और क्या करते, तुम्हें ना हाल बताते तो और क्या करते, तुम ही से दर्द छुपाते तो और क्या करते। क्या बात है, क्या बात है। हस्बैंड पसंद करते हैं आपकी शायरी? जी जी, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टर हैं और मैं बड़ी लकी वुमेन हूँ कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट रह के वर्क करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ होते हैं। कोई मुझे फैमिली से भी टेंशन नहीं है, जबकि मैं किसी ऐसे अदबी घराने से बिलोंग नहीं करती ना मेरा कोई अदबी हाँ कोई ऐसा नहीं है कि अदबी बैकअप है मेरा कुछ भी, लेकिन मेरे हस्बैंड बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे खुश होते हैं कि मम्मा जाहिर है इस फील्ड में है सर। अब मम्मा खुश होती तो बच्चे भी खुश होते हैं, तो बस ये है। लेकिन हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मतलब कि बहुत सुकून में जिंदगी। अच्छा, आपको सबसे आपका फेवरेट शायर कौन है अभी करेंट, जो पहले पहले में? पहले वाले पहले ही वाले तो ज्यादा फेवरेट हैं जैसे गालिब साहब थे और मतलब इन लोगों की थी ना गालिब की शायरी थी, फैज अहमद फैज थे और बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं नाम लेना शुरू करूँ तो बहुत सारे हैं शायर, तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लोगों की शायरी जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी शायरी हमें बहुत अट्रैक्ट कर जाती है, हम उनके मतलब कि ऐसा लगता है कि वो हमारी तर्जुमानी कर रहे हैं। कभी ऐसे लिखा कि एक मतलब बीवी के होता ना, मियाँ बीवी की रोमांटिक एक इंट्रैक्शन को ग्रीव करना, वो लोग वो बड़ा पसंद करते हैं। मुझे उनकी शायरी याद है, काश मैं तेरे हाथ का कंगन होती, और इस तरह बहुत लोगों ने बहुत लाइक किया था उस पोएट्री ने कितना उधम बचाया था। वो ड्रामे में थी तो बहुत जबरदस्त। बात ये कि आपकी कौन सी चीज क्लिक कर जाएगी ये आपको पता नहीं होता। अब लोग जिस चीज से मतलब कि अट्रैक्शन आती है वही पसंद कर लेते हैं। देखिए मैं एक बात बताऊँ, एक बहुत चेंज देखिए, हमेशा शायरी जो होती है ना फील होता है हमारे अंदर का। जैसे मैंने देखा कि आफ्टर मैरिज बीवी को अपने हस्बैंड से एक लगाव सा हो जाता है, एक मोहब्बत होती है, उसका केयर करना, तो वो सब चीज़ें काम करती हैं, तो उसको हम शायरी में ब्रीफ करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ इस तरह की कोई शायरी अपने बनाए? नहीं, देखिए वादा तौर पे मैं कह दूंगी कि मियाँ बीवी की उस पर कोई मेरे पास पोइट्री ऐसी नहीं है अभी, नहीं अब बनानी शायरी है, अब बनानी है। हाँ अच्छा जी, जरूर बना दूंगी। बनाना क्या होता है, फीलिंग्स होती है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं पोइट्री में, लेकिन होता यह है कि शायरी जो होती है वो अमूमन महबूब के लिए होती है। ये देखो ना, ये क्या बोलूं इसको मैं। और अगर महबूब शोहर हो तो पर चले ठीक है, वो अच्छा? तो होती है। फिर तो समझ में आता है। हाँ, और अगर महबूब शोहर, अमूमन महबूब तो शोहर होते ही नहीं है, बात ये भी होती है। महबूब महबूब होता है, शोहर शोहर क्या कर सकते। बाद में अगर महबूब शोहर बन जाते हैं तो फिर वो मसला खराब हो जाता है, फिर नहीं रहते, फिर वो नहीं रहते, फिर वो महबूब नहीं रहते हैं, फिर वो शोहर ये भूल जाए और फिर वो महबूब नहीं रहते। तो वो सिलसिला एक अलग होता है। बहरहाल दिल की आवाज़ है, मोहब्बत है, और चूंकि आज मोहब्बत का दिन है, और तो मैं इस हवाले से एक बात कहूँगी कि वैलेंटाइन डे चले एक स्पेशलिटी ये लोग मनाते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाले का हर दिन वैलेंटाइन होता है। क्या बात, आपने मुख्तसर कर दी बात, बहुत ज़बरदस्त की कि उनका तो हर दिन। और मैं कहती हूँ मोहब्बत देखें सिर्फ एक हमेशा आप लवर को या महबूब को मत काउंट करें, आपको अपनी माँ से बहन, जब मुझे अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत है और मैं अभी भी खाला से मिली तो कहती है, मैं जब भी उनसे मिलती हूँ तो उनकी बेटे की शादी थी, मैं रो पड़ी ना, कहते तो जब मुझे मिलती है तो आज मेरे अम्मी को मतलब अबव द 8 ईयर्स ऊपर हो गए, तो कहते जब तुम मिलती हो तुम इसी तरह याद करती हो तुम नहीं। मैंने कहा मैं मेरी माँ कोई भूलने वाली चीज़ है? कह रहे और बच्चों को भी देखती हूँ लेकिन तुम्हारे अंदर और मतलब और लोगों से भी मिली हूँ, कोई अपनी माँ को इतना याद नहीं करता जितना। मैंने कहा अल्लाह मुझे एक उनसे बहुत ज़्यादा, मैं सबसे छोटी थी, मुझे ज़्यादा उनसे एक मतलब एक अटैचमेंट थी बहुत ज़्यादा, तो मैं बस मेरा तो हर दिन मेरी माँ के साथ है, तो मेरी मोहब्बत जो है ना उनसे बिल्कुल अलग सी थी, बहुत अलग सी थी। तो इस तरह आपको अपने भाई से भी, बहन भाइयों की मोहब्बत मैंने देखी है, नाजिया सनजोए बसन कितनी मोहब्बत उनको थी, और इस तरह आपको वालिद साहब से कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा होती है, कुछ बेटों को अपने भाइयों से मतलब बहन भाइयों को आपस में इतनी, तो मोहब्बत की कोई हद नहीं होती है, ये रिश्तों में भी हो सकती है। आप किसके लिए क्या किस अंदाज से मोहब्बत रखते हैं, जाहिर है हर किसी का अपना एक रिश्ता है, आप रिश्ते के अंदाज से चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अपने बहन भाइयों से, भांजे भतीजों से, मुझे तो बहुत है अपने बहन भाई भांजे बेनतहा है, तो अल्लाह पाक हम सब की। और बहुत आपके जो कहा कि हमारे लिए
जो है ना बस सबके साथ ही मोहब्बत आप प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई खास नहीं है कि आप लोग वैलेंटाइन जो है ना वो आपका वो ही हो, वो नहीं हो, बहुत सारे हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अव्वल तो हम, मुझे तो खास इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेट्स सी जो लोग करते हैं वो उनका अपना पर्सनल मामला है। अच्छा जी, लास्ट है अभी जाने का, थैंक यू सो मच, लेकिन एक रेडी रखी शायद जब तक मैं अपने नाज़रीन से बात कर लूँ। जी नाज़रीन, यू आर रेडी, क्योंकि मैं आपको दे रही हूँ सरप्राइज। आप लोगों के लिए है सरप्राइज क्या, पहले मैं इनकी शायरी सुनूं फिर मैं आपके लिए सरप्राइज लेकर आ रही हूँ। चले जी, लास्ट आपसे थैंक यू करती हूँ, आप शायरी सुनाएं फिर हम वापस आके आपसे सरप्राइज शेयर करते हैं। तबीयत की हमारी तशना सामानी नहीं जाती, तबीयत की हमारी तशना सामानी नहीं जाती, हमारे दिल की क्या कीजिए परेशानी नहीं जाती, और मुसल्लम है हकीकत कोई माने या नहीं माने, मुसल्लम है हकीकत कोई माने या नहीं माने, कभी भी राय का जज्बों की कुर्बानी नहीं जाती, मुसल्लम है हकीकत कोई माने या नहीं माने, कभी भी राय का जज्बों की कुर्बानी नहीं जाती, और कुछ ऐसी सरगरानी आ गई अपनी तबीयत में, हाय हाय हाय, कुछ ऐसी सरगरानी आ गई अपनी तबीयत में कि अपनी बात भी हमसे तो अब मानी नहीं जाती, कुछ ऐसी सरगरानी आ गई अपनी तबीयत में कि अपनी बात भी हमसे तो अब मानी नहीं जाती, कभी तो सर पे चढ़कर बोलता था इश्क का जादू, कभी तो सर पे चढ़कर बोलता था इश्क का जादू, मगर इस हद तलक अब तेरी दीवानी नहीं जाती, मगर इस हद तलक अब तेरी दीवानी नहीं जाती, कि ये हैं किस कदर जोरो सितम हालात ने हम पर, कि ये हैं किस कदर जोरो सितम हालात ने हम पर, कि अब अपनी भी सूरत आप पहचानी नहीं जाती, कि अब अपनी भी सूरत आप पहचानी नहीं जाती, तबीयत की हमारी तशना सामानी नहीं जाती, हमारे दिल की क्या कीजिए परेशानी नहीं जाती। बहुत शुक्रिया किशोर जी, आप हमारे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, और आपने अपने जो है अल्फाज के खूबसूरत रंग शायरी की सूरत में बिखेरे, और अब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, इंशाल्लाह आपके साथ फिर एक सेशन रखेंगे। चले जी नाज़रीन, ये सेगमेंट हो गया ख़त्म, अब आपके लिए सरप्राइज़। सरप्राइज़ क्या है? कराची वालों के लिए खुशखबरी, कराची एक जगमगाता शहर है, और इस शहर में एक बिगेस्ट नेम है, उसे कहते हैं हुसैन मार्केटिंग। हुसैन मार्केटिंग लाया आपके लिए सरप्राइज लकासा वन मॉल में, और आपको दे रहे हैं बिजनेस प्लान के साथ। आप हासिल कर सकते हैं लकासा वन मॉल में एक ज़बरदस्त शॉप हासिल करने का बेहतरीन मौका, और बेहतरीन मौका ये है कि अगर आपने, क्योंकि हमारे पास मौका यूँ आ रहा है कि हमारे पास 80% जो है हुसैन मार्केटिंग ने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया लकासा वन मॉल में, और ये प्राइम लोकेशन है। प्राइम लोकेशन कैसे है? क्योंकि मेन राशिद मिनास रोड पर ये मौजूद है, और इसके साथ जो टच होता है जो जो एरिया वो है एबी एरिया, आपके पास उर्दू साइंस कॉलेज, यूबिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जस्ट अपोजिट, कराची यूनिवर्सिटी, अलादीन पार्क, आप हर तरह से यहाँ से कन्वीनियंट है। और अगर आपने इसमें हासिल करना है ज़बरदस्त शॉप, और इसके साथ अब मैं एक और बात बताऊँ, लकासा वन मॉल ना सिर्फ आपको शॉप दे रहा है बल्कि साथ में दे रहा है बिजनेस प्लान, तो है ना सरप्राइज। और ब्यूटिशियन और जितनी भी ऐसे जो ख्वातीन हैं वो ऑफकोर्स इस अपॉर्चुनिटी से भी फ़ायदा उठा सकती हैं, ऑफकोर्स अपना कोई आउटलेट बना सकती हैं, अपना सैलून खोल सकती हैं, तो है ना सबके लिए अपॉर्चुनिटी। और इसके अंदर है बहुत ज़बरदस्त फ्लोर्स वन बाय वन, और इसके अंदर फूड कोर्ट बना हुआ है, फूड एरिया जिसे कहते हैं, प्ले एरिया है बच्चों के लिए भी। तो मैं चाहूँगी कि फ़ौरन आप बुकिंग करवाएँ हुसैन मार्केटिंग से, क्योंकि जब भी हुसैन मार्केटिंग का नाम आया है तो नाम आया है द नेम ऑफ ट्रस्ट। तो इनके डायरेक्टर जो है ऑफकोर्स जुनेद साहब, जुनेद अब्बासी साहब से मुलाकात हुई, लेट्स सी उनका देखते हैं स्पेशल पैकेज और उनका इंटरव्यू रेलेवेंट टू लकासा वन मॉल।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी, कहती हैं आपको खुश आमदीद। और ये है ब्यूटी सेगमेंट, और ब्यूटी सेगमेंट में भी हमारे दरमियान यहाँ पर जबरदस्त ब्यूटिशियन मौजूद है। सबसे पहले मैं उनको करवाती हूँ आपका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद वो आज बताएंगे, क्योंकि आज एक जबरदस्त जो है फ्रॉक में जो है ना मॉडल मौजूद है, और एक जो है वलीमे की ब्राइड, अभी उनसे पूछेंगे वलीमे की बनाई है या क्या उन्होंने एंगेजमेंट की बनाई या पार्टी में, उनसे भी मिलवाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ब्यूटीशियन की जानिब। मेरे दरमियान इस वक्त नाजिश स्टाइलिश सैलून से, अस्सलाम वालेकुम नाजिश, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक ठाक। और आज आप जो ब्राइड लेकर आए हो इसका थोड़ा सा ब्रीफ करो कि क्या? मैंने एंगेजमेंट ब्राइड बनाई है। गुड है जी, बड़ा जूड़ा शूड़ा जी, इनका लुक फूल भी लगे हुए जी, इनकी डिमांड थी थोड़ा अलग से हो, इसलिए मैंने थोड़ा अलग से, यानी कि कभी कभी ये बताना चाहिए कि कभी कभी क्लाइंट की डिमांड को हमें पूरा करना जी बिल्कुल के, इसलिए सबसे पहले क्या लगाया, थोड़ा इसकी ब्रीफ कर दे फिर आई मेकअप शुरू कीजिए। इसको पहले मैंने सबसे पहले कैमोफ्लाज किया है, उसके बाद मैंने बेस लगाया है। गुड है। बेस के बाद इसको मैंने कवर किया पैनकेक से, पैनकेक के बाद मैंने इसको फिक्स लूज पाउडर से कवर किया, लूज पाउडर के बाद मैंने इनकी कंटूरिंग वगैरह की हुई है। यानी अभी आई मेकअप नहीं होना, इसलिए बिल्कुल आई मेकअप सिर्फ है, जो लास्ट रह गया है वो मैं करना चाहूंगी स्क्रीन के सामने। क्या बात है नाजिश, दी बेस्ट आप करें, स्टार्ट कीजिए। अच्छा जी, उनके बिल्कुल बराबर में मौजूद है अदीबा। अदीबा जो है सनशाइन सैलून से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अदीबा। वालेकुम सलाम जी, ठीक। और आज क्या आप थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा, अपने क्या ब्राइड बनाना चाह रही है? मैंने क्रिश्चियन ब्राइडल बनाई है। ओके, तो उसका मेकअप किया, बस आई मेकअप रह गया, वो सबसे भी करेंगे। पहले क्या लगाया? सबसे पहले प्राइमर लगाया, उसके बाद स्टिक्स लगा के इसका कैमोफ्लेज किया। गुड है। उसके बाद बेस बनाई, कवर किया इसको। गुड। और ब्लशन वगैरह लगा के सिर्फ आई मेकअप रह गया, जो अभी इधर लाइव करेंगे। गुड है जी, गुड है। आप स्टार्ट करो, और साथ साथ हम लोग नाजिन से भी बात करते रहेंगे, और साथ साथ नाजिश है नदीबा मौजूद है, आप लोग स्टार्ट कीजिए। अच्छा, मैं नाजिश से एक बात पूछना चाहूंगा, नाजिश ये बताएं कि ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगी पीबीआई प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का, जो डिफरेंट ब्यूटिशियन को रेकमेंड करते हैं यहाँ पर अपने टैलेंट को दिखाने के लिए ब्राइडल मेकओवर, और इस तरह अगर आप भी इस ब्यूटी सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहती हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर है 03-1582-48704, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में। यस, अब बताओ एक कितने टाइम से आप माशाल्लाह ब्यूटी फील्ड में हो? मैं 8 साल से इस फील्ड में हूँ, मेरे अपने घर में सलून है, मैं घर में करती थी, घर अब मैं अपनी जॉब कर रही हूँ हेल्प के थ्रू। हमारा एक ऐप है जो हेल्प के नाम से है, उसमें हम होम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कोई कॉल करे तो आप सर्विसेज ब्राइड घर में भी बना सकते हो, वो ऐप बना हुआ है हेल्प के हिसाब से। गुड है। वो हेल्प का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं उसके क्या नाम है, उस ऐप का नाम क्या है? हेल्प के नाम, सिर्फ हेल्प है, हम हर तरह की हेल्प के लिए आपके लिए मौजूद है। नहीं नहीं, ब्यूटी से रिलेटेड में हेल्प के लिए, ब्यूटी के अलावा हाँ। भी उसमें हर इलेक्ट्रिकल हर चीज ये है प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल कम्प्लीट मसाज लाइक फेशियल बिल्कुल हाँ, हर चीज हम प्रोवाइड करते हैं, कलर्स के हवाले से, कलर का भी हम हर काम करते हैं, प्रोटीन क्रिएटिन हर चीज, हर ट्रीटमेंट हम उसमें प्रोवाइड आप करते हैं, और आपके घर पर आकर। क्या बात है नाजिश, तुसी ते आप एक घंटा पहले भी अगर हमें कॉल करेंगे तो एक घंटे में हम आपके घर पर होंगे। क्या बात है नाजिश, जबरदस्त, तुम बड़ी काम की बंदी हो भाई। थैंक यू सो मच। चलिए आप स्टार्ट कीजिए शहजादी। अच्छा जी अदीबा, अब मैं आपसे बात करूं। यस अदीबा, ये बताइए कि कितने टाइम से आप काम कर रहे हो? चंदा मुझे 4 साल हो गए। माशाल्लाह क्या इस फील्ड को आपने क्यों ब्यूटीशियन फील्ड को क्यों चूज किया? क्योंकि खुद से मेकअप की शौकीन थी स्टार्टिंग से ही। अच्छा, तो फिर ऐसे ही सिस्टर्स वगैरह पे कर करके ज्यादा शौक आ गए, तो फिर अपना सैलून घर पे ही ओपन किया था, तो उससे ज्यादा मतलब ना पता चला कि करना चाहिए ये काम, शौक है। ऑन कर लिया अपना सैलून जी? नहीं, अभी 4 साल से सैलून चला। माशाल्लाह। एक बात नाजीन को, थैंक यू सो मच, आप काम करो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिये गुड मॉर्निंग विद सभी में, आप ये ना सोचें कि आपके पास बहुत बड़ा सैलून है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए मैंने उनके लबों से सुनवाया है आप लोगों को, जो मेरी प्यारी बहनें वहाँ पे बैठी हुई हैं और जो बहुत प्यारा काम करती है, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा कि यार मेरा तो एक रूम का सैलून है तो मैं कैसे स्क्रीन पर चली जाऊँ, या स्क्रीन
ये टैलेंट, ये स्किल्स, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आप लोगों के लिए जो अपने काम को हाईलाइट करना चाहती हैं और लोगों को बताना चाहती हैं कि आप आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छा काम करना जानती हूँ, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए मैं इनसे बात कर रही थी क्योंकि इनका अगर एक रूम का सैलून है, इनका अभी कोई बड़ा दूसरा नहीं है, अपने घर के अंदर है, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 03158248704। चले जी, ये ब्यूटिशियंस हैं, अब आपको ज्वाइन करवाती हूँ हमारे स्किल सेगमेंट में। एंटरप्रेन्योर वुमेन्स कभी भी अपने आप को लैक ना करें। आप लोगों में कोई भी टैलेंट है, आप कुकिंग बेस्ट करती हैं, आप हैंडमेड वर्क करती हैं, आप ज्वेलरी बनाती हैं, आप घर में डिस्प्ले लाइक कोई डेकोरेशन पीस बनाती हैं, आप पेंटिंग करती हैं, आप ग्लास पेंटिंग करती हैं, आप स्टोन वर्क करती हैं, आपके अंदर किसी तरह का भी टैलेंट है, स्किल्स हैं, तो आप पीछे ना हटें। हुनर जो है ना इंसान का, वो इंसान को आगे आगे लेके जाता है। लेकिन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा ना समझें। आप अपने टैलेंट को बड़ा समझेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। इसी तरह हमारे दरमियान वो टैलेंटेड वूमेन मौजूद है, वो खातून मौजूद है जो बेहतरीन बेहतरीन काम करके दिखाना चाहती हैं। और ये बड़ा डिफरेंट लगा मुझे। मैं अक्सर हमारे जब घर में भतीजा भतीजी कुछ डिफरेंट बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनको वेलकम करने देखने जाते हैं, और उससे पहले कुछ ख़ास चीज़ें बनती हैं, और वो छोटे छोटे कपड़े, नन्हे मुन्ने कपड़े, और ये सब बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव लगता है, उनके खिलौने टॉयज़ वगैरह हम लोग। तो आज हमारे इधर मैजबीन मौजूद हैं, मैजबीन जो हैं मैजबीन साबिर, और वो बनाती हैं न्यू बॉर्न्स जो हैं, न्यू बॉर्न्स बेबी के जो हैं कुछ छोटी छोटी जो है, मैं कहूँगी कि कॉट हो गई, उसके ऊपर उड़ाने वाले कपड़े खिलौने, तो ये कैसे बनाती है, प्लो वगैरह जो तकिया है, ये इगलाफ हैं जो बच्चों को ज़रूरत होते हैं। तो लेट्स सी, मैं मैजबीन से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो मैजबीन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। प्यारी प्यारी चीज़ें, कुछ मैंने देखा डॉल है, पता नहीं क्या क्या है, तो मुझे बताइए कहाँ से शौक पैदा हो गया, इसे क्या हम कहेंगे हमारे जो नाज़रीन सुनने वाले देखने वाले? असल में होता है ये, जो घर का बड़ा बच्चा होता है वो अपनी वालदा से ज़्यादा अटैच होता है। ओके। तो मेरी वालदा बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बनाया करती थी अपने भतीजा भतीजियों के लिए, तो उन्हें देख देख के थोड़ा सा शौक था। ओके। फिर मुझे भी घर बैठे हुए सोचा कि घर बैठ के इंसान क्या कहेगा, कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने अपनी वालदा को देखते हुए ही ये सारी चीज़ें बनाना शुरू की। फिर खुद ही आपके पास क्रिएटिविटी आना शुरू हो जाती है, आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आना शुरू हो जाते हैं, फिर ऑर्डर्स आना शुरू हुए तो कस्टमाइजेशन शुरू हो जाती है। तो वो जो एक छोटा सा घर में हमने काम स्टार्ट किया था अपनी बहनों के साथ, मैंने अपनी वालदा के साथ, तो वो माशाल्लाह आज बहुत अच्छे पैमाने पर है। जबरदस्त जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा नाजी, हम ऐसे ही नहीं, आप मुझे खड़े होकर बताएं ना कुछ चीज़ें, मैं देख लूँ, मैं भी खड़ी हो रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप भी खड़े हों और बताएं क्या क्या। जी बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो होता है कि आपको किसी को गिफ्ट करना है तो वो वेलकम बेबी के लिए, कि आपने फर्स्ट डे के लिए ना ये छोटी सी बास्केट है जिसमें बच्चों की छोटी सी फ्रॉक होती है, देखे ना कितना पारा, एक मिनट दिखाएंगे वन बाय वन, ये देखे इतना क्यूट सा लॉग, इतना क्यूट सा है बेबी फ्रॉक, देखिएगा, लुक एट दिस, और ये रैपिंग शीट होती है फर्स्ट डे के लिए, बच्चों को रैप करने के लिए जिसमें हुड बना हुआ होता है, उसके लिए बच्चों के लिए ये बिब होती है, सॉक्स हैं उसके लिए, और उसके लिए फीडर है, शैम्पू है, जो ये फर्स्ट डे के लिए बच्चों को चाहिए होता है, फर्स्ट डे के लिए गिफ्ट है बिल्कुल ये। और ये बास्केट भी है, फिर ये भी हो सकता है कि आप ये बास्केट जो है बाद में यूज भी हो सकती है, इसमें छोटी छोटी चीजें बिल्कुल, आप सरप्राइज रख सकते हैं इसके, इसमें सॉक्स रख सकते हैं। नो 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 मुन्ना, इसके ऊपर कितना प्यारा वो लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें टॉयज रख के छोटे छोटे से, ताकि वो एक अट्रैक्टिव सा। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज, अच्छा एक और चीज मैं दिखाऊँ, ये मैंने इधर अटका दी थी, अब ये देखें ये वॉल हैंगिंग। अच्छा, इसके साथ वो भी कुछ मतलब वो कहते हैं छोटे छोटे ऐसे जिसमें आवाज आती है, जो ना बोलते बिल्कुल वो उसमें बीट्स लगे हुए होते हैं डिफरेंट किस्म के, हम इसमें एलईडी लगा देते हैं उसमें, ताकि लाइट्स होती है वो अट्रैक्टिव हो जाता है, ये जब काम आता है जब बच्चा थोड़ा थोड़ा समझदार, जैसे उसको महसूस हो कुछ चीज चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आप कॉट पे उसके उसकी वॉल पे लगा सकते लगा सकते हैं, बच्चा कितना खुश होगा देख देख के ना, ये देखिए कितना प्यारा इन्होंने घर, ये सारा जो है ये फर्स्ट डे का है। और नर्सिंग पिलो है, नर्सिंग पिलो बहुत ज्यादा काम आता है आजकल के लिए, बच्चों को फीडिंग के हवाले से करना है, इसके ऊपर जो पिलो लगा हुआ है एडजस्टेबल है, आप निकाल सकते हैं, मूव कर सकते हैं इसको, और फर्स्ट डे के लिए सबसे प्यारा होता है कैरीनेस, ये दिखाएं मेरे हाथ में दे दो, ये जो आप कस्टमाइज करवाते हैं ना उसमें नेम भी लिखा जा सकता है, और ये देखें ये बच्चे को इन
बच्चा लेकर आना था ना या कोई डॉल लेकर आना था, इतना छोटा बेबी नहीं है। अच्छा, हाँ, मम्मी इसके अंदर ये बेबी डाल दिया, ये कुछ बेबी नहीं बाहर कुछ और ही हो गया। लेकिन इस तरह हम बच्चे को इसमें बिल्कुल मतलब ये यहाँ से ये जिप खुल जाती है और इसमें आप इसको हेल्दी हो तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा, इसमें पता क्या कन्वीनियंट होता है, शादी पे आप जा रहे हैं और सर्दी बहुत है, बिल्कुल तो हम बच्चे को यूं करके आप कैरी कर सकते हैं, इस तरह करते हैं, लाइट बहुत अच्छे है। चलिए अच्छा, और ये एक ये हमने बनाया था और एक हमने ये बुके शेप में बनाया था, इसमें बिल्कुल वेलवेट की वैरायटी है, मरून कलर का इसके हेड पिलो है, जो बच्चों की जो बुजुर्ग खातून होती हैं वो कहती हैं कि बच्चों का सर सही बनना चाहिए। अच्छा अच्छा, बच्चों का सर गोल बनना चाहिए, इसके तो वो बच्चे के लिए तकिया बनाया है ताकि वो सर जो है बच्चे का वो परफेक्ट बन सके, जबरदस्त। और ये बुके शेप है, लाइक आप फ्लावर का बुके दे रहे होते हैं तो उसमें जब आप बेबी को कैरी करते हैं तो वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। कहाँ से आइडियाज लेकर आएंगे ये यू, जब आप घर में काम शुरू करते हैं ना तो क्रिएटिविटी खुद आपके माइंड में आने लगती है, खुद आप इस चीज को बढ़ाने लगते हैं कि ये क्या। और मेरी प्यारी बहन कुछ सॉरी पिंक कलर में ये कस्टमाइज हो सकता है, लाइक बेबी बॉय के लिए आप ब्लू कलर में जा सकते हैं, बेबी गर्ल के लिए पिंक कलर में जा सकते हैं। अब ये हमने बेड बनाया हुआ है, इसमें बच्चा मूव करता है, जैसे डर होता है ना कि आप बच्चा क्रॉलिंग कर रहा है, वो एक तकिया इधर एक इधर। अब ये चीज इतनी कन्वीनियंट है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, इसके साथ ही इसका फोल्ड है, ओके सर्दियों में उड़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, इसका फ्लो यूज कर सकते हैं, साइड फ्लोज हैं इसके। ये पिंक बेड मुझे बहुत प्यारा लगा, इसमें क्या बच्चे को आप नाजिन आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, ये आप नीचे जरा से देखिएगा जाहिद भाई, ये जिसमें छोटे छोटे गोल पिंक कलर के तकिए रखे हुए, गोल गोल तकिए में। अच्छा, ये बहुत प्यारा कवर्ड हुआ है पूरा, बच्चे को ये कवर्ड भी है, ठीक है। आप इसे यहाँ से ये नॉट बनी हुई होती है ना, इसे ओपन करेंगे तो ये फैल जाएगा, गद्दा भी बन सकता है जब बच्चे क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। वो फ्लोर मैट है वो भी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है कि जब आप बच्चे को फ्लोर पे छोड़ते हैं सर ना लगे, बच्चा गिरे ना, तो इसमें फिलिंग हुई भी होती है। और क्या चीज, ये तो चले ठीक है, ये वो है जो मतलब जरा बड़ी, और क्या चीज बन सकती है इसके हिसाब से, तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अच्छा, आपने फीडर कवर नहीं बनाया, मुझे सब पता चल गया, देखिए नहीं 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 फीडर कवर नहीं है, रमजान शुरू होने वाले हैं जी जी, और जो बच्चे बड़े होते हैं ना उनके लिए ये जानमाज बनाएंगे, इस पे खाने काबा बनाया है ताकि ये बच्चों के नाम इस पे लिखे हुए होते हैं। अच्छा। वो अट्रैक्ट होते हैं कि हमने भी इबादत करनी है, हमने भी नमाज की तरफ जाना है, तो जब ये बच्चों के लिए बना के दी जाती है ना डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट स्टाइल में, तो वो उनको कुछ शौक पैदा होता है कि हमारी जो जान नमाज है वो यहाँ रखी हमने। न्यू बॉर्न बेबी से लेके आगे भी क्रिएट हो सकती, बिल्कुल बिल्कुल चीजें बिल्कुल हो सकती। और ये बहुत मुझे अच्छा लगा, ये पता क्या आप अक्सर देखती हूँ, मैं नमाज वालदा पढ़ रही होती है और दो साल का बच्चा ना आगे से पीछे पीछे ऐसे मम्मा को देख रहा होता है ऐसे करके ना, आप ये जान नमाज जब बच्चों के पास रखी थी ना वो खुद ब खुद रागिब होता है इबादत की तरफ के, उसने भी इबादत करनी, जब वो अपने बड़ों को देखता है घर में करते हुए, और फिर जब ये इतनी प्यारी सी जान नमाज उसके हाथ में होती है और वो खुश हो रहा होता है कि इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है और मेरे छोटे छोटे से स्टार्स बने हुए हैं, इस पे खाने काबा बना है, मुझे एहतराम भी करना है, मुझे यहाँ पाँव रखने हैं, यहाँ मुझे सजदा करना है, तो वो बच्चा जो है जबरदस्त है। और बताए और क्या चीज ऐसी जो आप समझते हैं या आगे आपका फ्यूचर प्लान में क्या माइंड में, क्योंकि आपने कहा ना कि जैसे जैसे मम्मा को देखा क्रिएट। आपकी मम्मा का नाम क्या है? अजीजा। अजीजा मैम अस्सलाम वालेकुम, लेकिन मेरी वालदा हयात नहीं है, ओह सॉरी माजरत, मेरी अम्मी भी नहीं है। चले अल्लाह पाक हमारी वालदैन को जन्नत में आला मकाम दे, उसके लिए बहुत माजर, वरना मैं अक्सर वो जो है ना बेस्ट विश दे देती हूँ, सलाम कर देती हूँ। चले ये दुखी कर दिया आपने थोड़ा सा मुझे, लेट्स सी अब और क्या क्रिएशन है। अच्छा, क्रिएशन ये होती है कि जैसे आप हमें ऑर्डर्स कर रहे होते हैं ना डिफरेंट, अभी ये एक छोटा सा वॉल हैंगिंग है, अभी टाइम नहीं था तो मैं, लेकिन ये हम वॉल हैंगिंग बना रहे होते हैं उसमें LEDs लगा देते हैं, लाइट्स लगी हुई होती है, वो बच्चों को अट्रैक्ट कर रही होती है, आप रूम में अंधेरा होता है और आप उसको कर देते हैं, वो कलरफुल जो होता है ना। मैं जब भी काम करूँ ना अभी, मुझे नहीं मालूम था इतना, क्योंकि ऑफकोर्स ये चीजें हमारे जन में बस वही एक होती है छोटी सी कि भाई वो होता है बिब होती है या फ्रॉक होते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ एक ना मैं आपको यहाँ पे जगह वो करती हूँ, आप पूरा सेटअप। अच्छा, मैं अभी लेके नहीं आई, वरना मेरे पास बहुत बड़ा कॉट है, उसमें पूरे कॉट सेट्स होते हैं, बच्चों के डिफरेंट कुशंस होते हैं। एक काम कीजिएगा, सेकंड कर रही हूँ, अब प्रॉमिस कर रही हूँ, प्रॉमिस नाजीन आप देख रहे हैं, प्रॉमिस कर रही हूँ, आप देख रहे हैं ना, आपने यहाँ पर मैं आपको सुबह में आप आ जाए पहले अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, अपना सेटअप यहाँ पे प्ले कर दें, जो भी लाइट्स जो, क्योंकि उसमें जो चीज बताने की होती है ना
वो हमारे नाज़रीन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। बिल्कुल, वो पूरा सेटअप ने उसमें फिर हम दोनों वॉक करते हुए हर चीज ये यूं है यूं, उससे ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते, वो बना भी सकते हैं और आपको ऑर्डर भी। अगर आप जैसे हमारा पेज विजिट करेंगे, वेबसाइट विजिट करेंगे, तो उसमें हमने क्या किया हुआ है कि पहले एक कॉर्ड होता था बच्चों का, तो साइड में सीधे प्लेन बम्पर्स होते थे, ठीक है, बच्चों को वो लगे। अब हमने उसमें क्रिएटिविटी ये की, उसमें डिफरेंट एनिमल के फेसेस बना दिए, कार्स बना दिए हैं छोटे, और हम कुछ ना, मुझे उसमें कुछ ना आपके हाथ की बनी हुई ना वो चाहिए। अल्लाह गुड़िया जरा बातें कम करो, आवाज़ें हरी। अच्छा जी, हम लोग ना चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसे कार्टून्स वगैरह जो जिस तरह आपने देखा होगा डोरा, वो भी उस तरह अपने आप कुछ ऐसे, ये तो जैसे ये नहीं कि तो कुछ बाजार का है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, ये बाजार। मैं चाहती हूँ नेक्स्ट टाइम मजे भी ना पाओ ना, तो कोई डॉल हाथ की बनी हुई हो और ऐसे टॉयज हो जो हाथ के बने, कोई मसला नहीं। अब ये बना हुआ है ना, देखिए आपने बनाया ना, क्रिएट किया, तो इसको अगर जरा सा और इसका चेहरा गोल हो तो ये मतलब रेड कलर की, इसमें भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं। इसमें कई जगह ऐसा होता है, वो कहते हैं आप ये आईज हटा दे, हमारे बच्चों का नाम लिख दें, उस पे नाम लिखा हुआ होता है। कुछ इस तरह के होते हैं कि जो ये जैसे हार्ट बने हुए, तो उसमें जो स्टफ नेम होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, वो अल्फाबेट्स हमने लगाए हुए हैं। अगर आप हमारे पेज पे विजिट करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको जबरदस्त। नहीं, मैं चाह रही हूँ नेक्स्ट आपके साथ एक नेक्स्ट वीक ही करते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट मंडे। आप लोग रेडी रहेगा ना नाज़रीन, मैं जब भी हमारे दरमियान मौजूद हो, इतना बड़ा सेगमेंट हो जाएगा कि आप पूरा मॉर्निंग शो उसी में गुजर जाएगा, इतना सारा सामान होता है बॉर्न बेबी के, बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 2 साल के बच्चों का भी, जो थोड़ा चलते हैं, जैसे आपने जन्माष्टमी बनाई ना, तो ये 2 से 3 साल का बच्चा, ये 2 से 3 साल ये बहुत ज्यादा 7-8 साल के, 10-12 साल के बच्चे जो होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जमीन के साथ इसमें हमने एक ये भी किया था कि इसमें बच्चों का कुरान पाक का कवर, उनका छोटा सा, बड़ी बात है, बड़ी बात। ये देखिए खेल खेल में हम बहुत अच्छी पॉजिटिव वेव्स और अच्छी बात डिलीवर कर सकते, बिल्कुल। मजमिन आप बैठो, मैं जरा ब्यूटीशियन सेगमेंट की तरफ चलती हूँ। और अस्सलाम वालेकुम अगेन, एंड ब्यूटीशियन नाज़िश है, नदीबा मौजूद है, और आप लोगों की बातें हमारी बातों में मिक्स हो रही है क्योंकि आपको माइक लगा हुआ है मेरी प्यारी बहन। अच्छा जी, हमारे बताइए कहाँ तक पहुँचा नाज़िश आपका काम? डन हो गया है। डन हो गया, बिल्कुल। चलिए जी, इनके आई मेकअप की तरफ देखें जो है नाज़िश क्या कर रही है इस वक्त। ये देखें जी, आप इनको लगाते, क्या लग रहा है अभी? मैं इनको लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर लगाते हुए देखे आप नाज़िश को? जे लाइनर लगा रही हूँ। हम नाज़िश की तरफ आ गए हैं और नाज़िश ने मॉडल जो है एंगेजमेंट, जी एंगेजमेंट ब्राइड जो है वो बिल्कुल रेडी है, सिर्फ आई मेकअप रह गया है। अच्छा, कुछ लोग अपनी पसंद से ऑफकोर्स जैसे जूड़ा या कुछ भी लाइक बनाना चाहे, इसमें कुछ पिंक कलर के इन्होंने फ्लावर्स भी लगा दिए हैं, आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पर रिंग फ्लावर्स वाला लगा सकते हैं। और ये देखें जी, इनको लगाते हुए देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगी नाज़िश के, हमेशा ये होता है कि जब हम लोग ऑफकोर्स जिनको टूल्स इस्तेमाल करने आते हैं, ये बात मैं उसमें भी इनके साथ बातें करी थी, तो जिनको टूल्स इस्तेमाल करने आते हैं लाइक कि भाई प्राइमर का क्या इस्तेमाल हो सकता है, कैमोफ्लेज का क्या इस्तेमाल हो सकता है, बेस का है, तो जिनको ये पता होता है ना तो उनके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, बिल्कुल। और नई नई ब्रांड भी आ जाए तो वो हैंडल कर लेती। हाँ, क्या कहते जैसे कैमोफ्लेज तो हमें पता है कि हमें इस जगह यूज करना है, कैमोफ्लेज जैसे जो स्किन होती है इसे टूट और नीचे जाना, ठीक है ठीक है। जैसे हमारी स्किन 45 है तो हम 36 पर जाएंगे, ओके, टोन कम करेंगे तो वो डार्क सर्कल वगैरह है, डार्क धब्बे होते हैं फेस वगैरह पर, वो कवर होते हैं। फिर उसके बाद हम बेस अप्लाई करते हैं तो वो हमारे दाग धब्बे वगैरह छुप जाते हैं, तो हमारे हाथ में कोई सी ब्रांड आ जाती है तो हमें इजी रहता है कि हमें ये ब्रांड कैसे यूज करनी है, हमें ये नहीं होता कि हम कैसे यूज करेंगे इसको। चले जी, हम इनका जो है माशाल्लाह, ये मैंने डन कर लिया है इनका, जबरदस्त इसकी कंटोनिंग भी हो गई है। चले जी देख लें, थोड़ा सा जो है टचिंग देख लें। मैं चल रही हूँ अदीबा की तरफ, और अदीबा जो है वो क्या कर रही है? अदीबा आईलाइनर लगा रही है, और ये देखें जी अदीबा इतनी क्यूट, आपने माशाल्लाह ड्रेसिंग और सब कुछ बहुत अच्छा किया है। कितना डन हो गया चंदा? बस थोड़ा सा बस फिर इनकी प्रेजेंटेशन। जी नाज़िन, हम लोग इस वक्त अदीबा ये बताएं कि हम लोग जैसे आप लोग जैसे मैंने कहा ना जिनको टूल्स इस्तेमाल करें, अच्छा हेयर स्टाइल आजकल कौन सा समझ रहे हैं, या हर तरह की ब्यूटीशियन मतलब जो आपका वो आता है क्लाइंट हर तरह का? वो तो कुछ क्लाइंट अपनी मर्जी का, और कुछ वो ड्रेसेस को देख के देखा जाता है कि कौन सा हेयर स्टाइल। अच्छा, तो आप लोग उनको थोड़ा सा अगर उनका जैसे आई
राइट, ऑफ कोर्स उसका चेहरा ओवल है, कभी चौड़ा है, लंबा है, तो आप उनको थोड़ा गाइड करते, थोड़ा गाइड कर देते हैं, लेकिन कुछ मान जाते हैं, कुछ फिर कहते हैं कि मैं यही वाला हेयर स्टाइल चाहिए, फिर उस हिसाब से मुझे तो रानी मुखर्जी बना दो, मुझे तो कैटरीना कैफ बना दो, उनकी अपनी मर्जी से, ऐश्वर्या राय जैसा मेकअप चाहिए मुझे, ऐसा तो नहीं कुछ कहती है, इस तरह नहीं कहती, लेकिन पिक्चर्स में कुछ लेके आ जाते हैं। हाय अल्लाह, मुझे तुम्हारी पिक्चर से याद आया, वो एक ब्यूटीशियन कह रही है यार उसकी उम्र इतनी सारी है, 45 से अबव है, अब वो पीछे लगी हुई वो पुरानी जवानी की तस्वीर, मुझे ऐसा बना दो। आओ सेट थे, आओ बैठ। चलिए जी अदीमा भाई दरमियान मेरी प्यारी बहन, आप मेकओवर करें जी। नाज़रीन मैं किधर चलूं अपनी मजबीन, ये बताइए मजबीन ये शौक कहाँ से पैदा, मम्मा से पैदा हो गया, कितने साल से काम कर रहे हो? हमें 10 साल। कितने? 10 साल। माशाल्लाह, क्या फीडबैक है लोगों का? फीडबैक बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। पहले हमने स्टार्ट किया था घर से, फिर हमने फेसबुक का पेज क्रिएट किया, फिर इंस्टाग्राम की तरफ आए, अब हम लोग वेबसाइट की तरफ आ गए। अगर आप हमारी वेबसाइट जाके चेक करेंगे www.momscollections.com, उस पर आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी। ओके, अब मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई मैं ले लूँ? बिल्कुल, लाइव शो में सोच लो। बिल्कुल, मेरी एक भतीजी पैदा हुई, भांजी बहन की बेटी, फिर अब मैं ले लूँ तो फिर बोलोगी अल्लाह सभी आपने ये क्यों, ऐसा तो नहीं कुछ होगा? नहीं, नहीं, नहीं। मुझे एक चीज पसंद आई बड़ी प्यारी सी। बिल्कुल आप ले, ठीक है, डन है। अच्छा जी, अब मेरी जमीन ने ना मुझे गिफ्ट कर दिया भाई, मुझे तो एक चीज बहुत अच्छी लगी है, दिस वन मैन बहुत अच्छा लगा मुझे, ये क्यूट सा, और मैं आपका ज्यादा वो नहीं करूंगी, मुझे इसका चार्ज बता देना, ठीक है, जस्ट फॉर जोक। अच्छा ये बताएं कि आगे इस फील्ड में जब आपने कोर्स किया था कहाँ से किया था? मैंने टेक्निकल इंस्टीट्यूट से कोर्स किया था, ठीक है, 1 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है, कुछ शॉर्ट कोर्सेज किए। अच्छा 1 ईयर का डिप्लोमा किया इसमें, ओके दैट्स गुड, क्या और कुछ शॉर्ट कोर्सेज किए हैं। अच्छा मैं अपनी क्या बात करूं, मुझे नाज़रीन से बात करनी है कि देखिए मैं इनको देख रही हूँ ना, मैं सच बताऊं जैसे वो शायरा बैठी हुई कहती बचपन में शौक था और फिर मैं ऑफकोर्स बिजी हो गई अपने सलोन में, तो फिर मुझे उसको दोबारा आज 2 साल हुए हैं उनको शायरी करते हुए किशोर उरूज, और वो 20 साल से ब्यूटिशियंस का कर रही हैं, तो उनको अपनी एक कहते हैं ना बंदे, मैंने जब कॉलेज गोइंग थी तो मुझे बड़ा शौक था बहुत सारी चीज़ों सीखने का, मैंने ये सीखा, मैंने रंगून वाला इंस्टीट्यूट से सीखा, और मैंने उसमें अलमारी बनाना, अच्छा वो मैंने, मेरी एक आदत में हर चीज़ लिखती हूँ, तो वो मैंने सब चीज़ें लिखी, मैंने सॉक्स बड़े प्यारे शूज़ बनाए, मैंने बैग बनाया, ये बेबी सिटिंग का ये जैसे होते ना अलमारियाँ भी, हाँ अलमारी बनाई, और उसमें कैसे छोटी सी इतनी सी अलमारी थी, बच्चों को जिप से वो करो बंद करो, बिल्कुल 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 वो, और मैंने बच्चों के वो सॉक्स सॉक्स शूज उस तरह बनाए, उसके ऊपर बड़ी प्यारी रिबन वगैरह लगाई, और मैंने पूरा इस तरह जो है बेड वगैरह लगे सब, और बैग बड़ा खूबसूरत सा उसको भी उसी तरह बड़ा फॉर्म वगैरह लगा के बड़ा खूबसूरत बनाया, और बहुत सारी चीज़ें थी, तो मुझे आज सारा फ्रॉक बनाया, पजामा और बच्चों की छोटी सी चड्डी और वो नहीं, और वो बॉटल का कवर मुझे सब याद है, मैंने बहुत प्यारा वो मैंने गिफ्ट कर दिया था, लेकिन वो बहुत प्यारा मैंने बनाया था, मुझे आज ये सब चीज़ें देख के मजबीन अपनी यादें ताज़ा हो गई ये आपके अपने अंदर का शौक होता है, जिसे आपने बहुत शौक था मुझे बाहर लेकर आना होता है, वो वहाँ पे कोर्स करने गई मैं बेसिकली क्लास पेंटिंग, जब मैंने ये देखा तो मुझे और मैंने कहा यार ये कितना खूबसूरत है, तो वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज तो होते ही रहते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट कोर्सेज, और इंस्टीट्यूट जाके आपका दिल करता है कि आप मजीद कोर्सेज करें, फिर मैंने मेहंदी सीखी, फिर मैंने फ्लावर मेकिंग, अच्छा फ्लावर मेकिंग भी बहुत डिफरेंट थी, लाइक यूं थी कि वो भुट्टे के छिलकों के फूल, नारियल के छिलकों के फूल, मैंने भी बनाए थे, कुछ कहना चाहते जी 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 रेडी है प्रेजेंटेशन चले जी। नाज़रीन जी आप लोगों ने कहीं जाने, यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक, और मतलब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों के साथ।
क्या बात है आप वहीं चलिए। अच्छा जी नाजिश ने आप दोनों यहाँ आ जाए, मॉडल अपने अपनी ब्यूटिशियन के पास आ जाए। जबरदस्त अजी भी वहाँ पे बच्चों, ठीक है जी जबरदस्त। आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नाजिश है नदीबा, बहुत अच्छा लगा। नाजिश कोई बात करना चाहे आप रेलिवेंट टू। लोग बोलते हैं कि मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ आ पाई हूँ। खुश रहो। क्या नाम है भैया का? शहजाद। मेरे भैया का शहजाद। खुश रहो, देखो आपकी बीवी आपको किस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और आपको फिर भी याद करिए, ये शुक्रिया है उसका, दिल से उसके चेहरे की स्माइल मुझे लग रही है। इसी तरह सारे हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए जो उनके अंदर स्किल्स हैं, अगर उनके अंदर आगे बढ़ने की कुछ चाहत है, कुछ अब्बा के रूप में, कुछ भाई के रूप में, कुछ हस्बैंड के रूप में, ऑफकोर्स आप लोग अपनी बहनों को अपनी वाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, मैं ये कहूँगी तो आप ज़रूर करें, क्योंकि वो हमेशा अपने घर के लिए सोचती हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? बस उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मुझे उन्होंने सपोर्ट किया और मैं यहाँ पर आ पाई, और मेरी भाइयों ने, मेरी अम्मी ने मुझे हौसला अफजाई दी कि आप जाओ। सभी की कोई तारीफ नहीं है, सब और मैं सभी हैं जिनकी वजह से हम ये प्लेटफॉर्म पर पहुँच पाए, गुड मॉर्निंग में आ पाए। नहीं नहीं आपकी एक्साइटमेंट आपकी अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा नाजिश, बेस्ट ऑफ लक अदीबा। थैंक यू। चंदा कैसा लगा यहाँ पर आना? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और ज्यादा अच्छा लगा, आपका इखलाक रवैया बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा आपने अपनी फैमिली से, यानी कि इस, क्योंकि ब्यूटी फील्ड में हर खातून नहीं आती है, तो ज़्यादा बेस्ट सपोर्ट किसकी रही? जब मैंने सीखा था वक्त तो मेरे दादा अबू की थी, लेकिन उन्हीं ने मतलब मुझे सैलून वगैरह ओपन करके दिया था। सारे खिलाफ थे खानदान में सब भी, लेकिन मेरे दादा अबू ने सपोर्ट की। अब खानदान वाले कहते होंगे हमारी ब्राइड बना देना। हाँ, लेकिन अभी ये है कि मम्मा और मेरे हस्बैंड की, हालांकि 2 महीने हुए मुझे शादी हुए, लेकिन बहुत सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, और मेरी मम्मा के भी बहुत ज्यादा। क्या नाम है हस्बैंड का? वकास। वकास भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी छोटी बहन यहाँ पे बैठ के रिक्वेस्ट करती है कि अदीबा को बहुत ज्यादा आप सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी मतलब बिटवीन आप उसको सपोर्ट करते रहेंगे तो क्या होगा, ये और अच्छा काम करेगी और कॉन्फिडेंट होके काम करेगी। तो आप चाहते हैं ना कि इसके हौसले बुलंद हों, तो आप इसको जरूर सपोर्ट करें। चलें मेरा भी रिक्वेस्ट शामिल कर लिया। चलें जी खुश रहें, आबाद रहें, आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं जबीन, आप भी जाते जाते हमारी खवातीन को, लोगों को क्या मैसेज करना चाहेंगे? मैं ये मैसेज करना चाहूँगी, जिस तरह आज हम सारी खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, तो जैसे उन्होंने कहा कि सबके पीछे मर्दों का भी हाथ होता है,
बिल्कुल होता है, वालिद के रूप में होता है, भाई के रूप में होता है, हस्बैंड के, अगर वो आपको सपोर्ट ना करें तो आज हम यहाँ पर ना हो, और हमें जिस तरह वो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं वो हमारी रिस्पेक्ट करें तो मिल, जब तक हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, जब तक कोई दुनिया आपके रिस्पेक्ट नहीं करेगी। थैंक यू सो मच माजबीन, आपका बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। थैंक यू। अच्छा जी नाज़रीन, जाते जाते एक बात कहूँगी कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना चाहिए, और जैसे माजबीन का रिस्पेक्ट भी करते रहना चाहिए, यही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़ने में कोई कबात नहीं है। बहुत सारे मुल्कों को आपने देखा होगा जहाँ पर मियाँ बीवी या जो भी ये मर्द हजरात और ख़वातीन सब मिलके काम करते हैं, वो मुल्क बहुत तरक्की करते हैं। चाइना को देख ले, अमेरिका को देख ले, उन लोगों में कोई तेर मेर या मेल फीमेल का कोई वो नहीं है, मुकाबला नहीं है, काम है। तो काम सब मिलके करेंगे तो बर्डन भी कम होगा और हमारा मुल्क खुशहाल होगा, हमारा घर खुशहाल होगा, और हम भी बहुत सारी बीमारियों, क्योंकि पैसा जब ज़रूरत नहीं होती ना हमारे, मतलब पैसा हम घर पे नहीं लाते या हमारी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी नहीं होती, तो हम वक्त से पहले बीमारियों का और बुढ़ापे का शिकार होते हैं। तो आप अगर अपने मुल्क को खूबसूरत करना है तो हम सबको मिल के काम करना होगा। इंशाल्लाह कल फिर उबरते सूरज की तरह सभी तुलू होगी और सब हम तुलू होंगे, और अच्छे एक मकसद के साथ, एक जस्तुजु के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो महीने रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जगमगा